बदकिस्मत एक ऐसी बला का नाम है जो कि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसकी हो, लेकिन आज की जनरेशन में हर तीसरी व्यक्ति को यही अंदेशा है कि अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई बदकिस्मत या फिर फूटी किस्मत वाला इंसान है तो वो खुद है। और अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोचते थे तो पहले आप इस वीडियो को तो देखो, जहाँ पर एक लेडी कोल्ड ड्रिंक की कैन खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद इस लेडी को भी आपकी तरह इस कैन की पावर का जरा भी अंदाजा नहीं था। और बस फिर क्या, जो हुआ वो तो आप बखूबी देख ही सकते हो। बिचारी की सुंदरता पे धब्बा लग गया, इसलिए किसी के सामने कूल बनने के चक्कर में गलती से भी ऐसा कुछ ट्राई करने की कोशिश मत करना। ओके। देखो, रिलेशनशिप में कभी कभार क्या होता है कि लड़की को अपने पार्टनर के ऊपर डाउट होता है कि उसका पार्टनर उसे उठा नहीं सकता, और हो सकता है कि ऐसा आपके साथ कभी हुआ भी हो, और अगर नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं विश करूंगा कि आपको भी ऐसा मौका जल्दी मिले। वेल, वो सब छोड़ो और यहाँ पर देखो, जहाँ पर इस लड़की को भी सेम डाउट था कि इसका पार्टनर उसे अपने हैंड में कैरी नहीं कर सकता, लेकिन शायद ये लड़की अपने पार्टनर के पावर को फॉर ग्रांटेड ले रही थी और ये भूल गई थी कि जो इसके पार्टनर ने जिम सिम करके रखी है और जो ये डोले सोले इतनी मेहनत से बनाए हैं वो केवल देखने के लिए ही नहीं बनाए। इसीलिए जैसे ही ये लड़की अपने पार्टनर के हाथ में हैंग होती है तो लड़के को तो कुछ नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से कॉर्नर फूटता है वो देखने लायक था। बाय द वे, लड़की दोबारा कभी अपने पार्टनर की पावर को जज करने का ट्राई नहीं करेगी। बाय द वे, अक्सर क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली सड़क पर चलते चलते किसी भी गाड़ी के मिरर में अपना चेहरा देखने लगते हैं, लेकिन उस गाड़ी के अंदर कोई आदमी भी हो सकता है, ये चेहरा संभालते वक्त कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता, और उसी के बीच हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमें शर्मिंदगी महसूस करा देती हैं। लाइक अब इस लड़की को ही देख लो, जो बिना किसी हेजिटेशन के अपने चेहरे को संवार रही थी, लेकिन अगले पल ही ड्राइवर इसका गिलास खोल देता है और फिर लड़की वहाँ से बिना कुछ बोले ही भाग जाती है, क्योंकि जो ऑकवर्डनेस उस लड़की को फील हुई होगी वो तो केवल इससे रिलेटेबल लोग ही बखूबी समझ सकते हैं। अगर आप एक गेमर हो तो आपके पास डेफिनेटली कोई ना कोई गेमिंग चेयर जरूर होगी, लेकिन अगर आपके पास ये गेमिंग चेयर नहीं है तो आपका गेमर होना बेकार है, क्योंकि इस चेयर की जरा एक बार फैसिलिटी तो देखो, जिस पर बैठकर आप पॉटी भी कर सकते हो, और तो और आपको वॉश और वाइप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो। वेल, वो सब छोड़ो और यहाँ पर देखो, जहाँ पर हमें ये लड़का सिखाने वाला है कि एक्चुअली में स्केट बोर्ड को कैसे सीधा करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले स्केट बोर्ड के एक कोने में लात मारी और भाई कसम से क्या दर्द हुआ होगा यार। चलो कोई बात नहीं, पिछली वाली बात को भूल जाओ और अब स्केट बोर्ड से जंप करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ऊंचाई वाली जगह पे स्केट बोर्ड के साथ खड़े हो जाना है और जंप लगा के स्केट बोर्ड। अब देखो, स्केटबोर्ड सीखना तो अपने बस की बात नहीं, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि अपन लोग कोई भी गेम ना खेल पाए, इसलिए अपन लोग अब बास्केटबॉल खेलेंगे। तो सबसे पहले आपको बास्केटबॉल को हाथ में लेके हवा में स्टाइल मारना है और फिर जमीन में बाउंस करा के। अब यहाँ पर इस लड़के को देखो, जो इस लड़की को बैक फ्लिप मारना सिखा रहा था, जिसमें वो लड़की का हाथ पकड़ के जैसे ही लड़की को घुमाता है तो भाई अब ये दर्द तो लड़के आसानी से फील कर ही सकते हैं, लेकिन जब किस्मत ही खराब हो तो कुछ भी करो बुरा ही होता है। जैसा कि अब इस लड़के को ही देख लो, जो इस बॉल में जैसे ही हिट करता है तो बॉल सीधा पेड़ में जाकर लगती है और इस वाले पेड़ से इस वाले पेड़ में, और फिर देखो बोला था ना कि जब किस्मत ही खराब हो तो नेचर भी साथ नहीं देता। वेल, इस लड़के की तरह आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है क्या, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर वीडियो सच में पसंद आई हो तो इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो।